मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम उसी एक्सरसाइज में, जिसका नाम है रोमन नंबर्स, आर ओ एम ए एन, रोमन एन यू एम बी ई आर एस, रोमन नंबर्स पे फिर हम एक बार इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यास का मतलब कि रोमन नंबरों को हम अंडरस्टैंड और समझने जा रहे हैं। बच्चों आप देखिए, रोमन नंबर सात, उसमें सात किस्म के बड़े रोमन नंबर हैं जिनको हम अलग करके लिखेंगे और उसके बाद उनका अभ्यास भी करेंगे। बच्चों ये हुआ आई, और ये हुआ आई, ये हुआ वी, ये हुआ एक्स, ये हुआ एल, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ये हुआ एम। बच्चों ये सात बड़े रोमन नंबर हैं जिनका जो कीमत है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आई का मतलब हुआ, एक, इसका मतलब हुआ एक, और इसका मतलब जो है ये पाँच है। अगर हम ऐसा लिखें और पाँच बन जाएगा, इसको हम पाँच कहते हैं। और ये जो है ये दस है, और ये जो है एल, जो है एल फिफ्टी है, सी हंड्रेड है, और डी फाइव हंड्रेड है, और एम 1000 है। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपको दो लिखना है, आपको क्या लिखना है, टू। तो आई को आप दो बार लिख सकते हैं, दैट इज टू। अब आपको लिखना है यानी सिक्स, सेवन या एट लिखना है। एट में पहले हम क्या लिखेंगे, पांच, ये कितने हुए, दो, कितने हो गए सात, एक और लगा देंगे, बन गया आठ, ये हो गया आठ। और नौ, नौ को लिखने में थोड़ा इसमें तब्दीली आती है बच्चों। नौ लिखने में पहले एक और फिर ये डाला जाता है, ये नौ बन जाता है। और दस लिखने में यही आता है, ये दस है। अब हम ग्यारह लिखेंगे, इसके आगे एक ग्यारह, इसके आगे एक बारह, इसके आगे एक एक तेरह, इसके आगे एक चौदह, इसके आगे एक चौदह, इसके आगे पंद्रह, ऐसे ही ये बनता जाएगा। बच्चों इसका अभ्यास हम आपकी किताब को देख के करेंगे। आपने अगर ये नोट, ठहरो थोड़ा सा, इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ। आई का मतलब वन, वी का मतलब फाइव, और एक्स का मतलब टेन, एल का मतलब फिफ्टी, सी का मतलब हंड्रेड, और डी का मतलब फाइव हंड्रेड, और एम का मतलब थाउजेंड। बच्चों अब हम आगे रोमन यानी नंबर और नोटेशन को देखने जा रहे हैं। ये हुआ नंबर नोटेशन, और ये हुआ रोमन नोटेशन। इसकी रोमन नोटेशन क्या है, रोमन नोटेशन देखिए, ये नंबर नोटेशन है और ये नो, ये वन, यहाँ पर लिखा हमने वन, नंबर में वन लिखा, और यहाँ पर हम यहाँ से आई ला के लिखेंगे वन। ये टू लिखा, यहाँ पर हम टू लिखेंगे इसी में। ये थ्री लिखा, और यहाँ पर हम थ्री लिखेंगे इसी में। ये फोर लिखा, और यहाँ पर हम फोर लिखेंगे इस तरह।
ये फाइव लिखा, यहाँ पर हम फाइव लिखेंगे इस तरह। ये सिक्स लिखा और यहाँ पर हम सिक्स लिखेंगे इस तरह। ये सेवन लिखा और यहाँ पर हम सेवन लिखेंगे इस तरह। ये एट लिखा, यहाँ पर सेवन, ये एट लिखा। एट लिखा, एट को आगे हम लिखेंगे इसी तरह। ये नाइन लिखा, नाइन को हम लिखेंगे इस तरह। ये टेन लिखा, टेन को हम सीधा एक एक्स लिख देंगे। ये एलेवन लिखा, एलेवन को हम एक्स वन आई लिखेंगे। ये ट्वेल्व लिखा, एक्स ये लिख देंगे। इसी तरह बच्चों, जब ये आप पहुंचोगे ट्वेंटी के ऊपर, ये लिखते लिखते आप, यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है, ये दूसरे सबक में हम ट्वेल्व तक हमने लिखा, ट्वेल्व के बाद हम थर्टी तक लिखेंगे। बच्चों दीजिए आज अपने टीचर उस्ताद को इजाज़त, मिलेंगे दूसरे इसी रोमन नंबर्स के साथ अगले सेशन में। तब तक दीजिए इजाज़त, बाकी वसलाम।